अपन आए थे और बाकी दो चार दिन बाद बाद या पहले बाद। अच्छा वो पहले आए थे उस टाइम। अभी हम आए पहले मंदिर, मंदिर में देवी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। आप मेरे को नहीं लाने दिया उसे, मैं उसे डिग्गी में लेके आ जाता। देख मम्मी बोल रही है कुत्ता तो नहीं, मैं बोला 13वीं के बाद कहीं जाते नहीं है। हालांकि मायके ही जा रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले देवी जी के दर्शन कर लेते हैं, मंदिर घूम के आते हैं, उसके बाद मम्मी के यहाँ जाऊंगी। चश्मे लगा के दर्शन कर रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आ जाइए, अभी दुर्गा जी के दर्शन कर लीजिए। नजर वालो तुम नदी है वहाँ पे, चलते हैं आप नीचे। हो गए दर्शन, देखिए अब जाएंगे मम्मी क्या। वैसे तो मम्मी जाने में कुछ नहीं था, लेकिन फिर हमने सोचा कि भगवान के पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे माता देवी। चाचा चाचा आए थे, चले गए निकाल कर। भिंडी की सब्जी और करेले की, कहूँ पल ले जा कहूँ बाहर जा। अरे ठीक है ना, घर में सब है जी, बैठे हैं। हम लोग आ गए थे 5:30 बजे, 5:30 बजे आ गए थे, फिर आके चाय आए पी, सब लोग बैठे थे तो साथ में बैठ गए। दादी की तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है, कल चक्कर आ गया था तो अभी तो ठीक है। मैं दिखाऊंगी, अभी तो सो रही हैं, खाना खिला दिया है, अभी सो रही हैं, तो अभी इसलिए मैं कल दिखाऊंगी उजाले में। अभी वो सो रही हैं तो लाइट बंद कर दी है, वहाँ सो रही है हमारे पापा। भाभी ने सामान रख दिया था, नमकीन रख दिया था, और यहाँ पर ये गुलाब गुलाब जामुन रख दी थी, ये रहा सामान रख दिया था, तो मैंने इसको इधर ही निकाल दिया। सब लोग हम साथ में खा लेंगे। पलटो, हम नहीं भैया, हाथ गंदे हो। हाँ, हम लगा रहा ना हाथ। मिठाई बहुत अच्छी बनी, खा कर टेस्ट करके सही में सच में। नाश्ता हास्ता सबका हो गया है, सबने नहा लिया बस मुझे छोड़ कर, मम्मी ने भाभी ने सब लोगों ने, सबका नाश्ता हो गया। मैंने तो नाश्ता नहीं किया, अभी भाई के साथ दादी के साथ बैठी थी, कपड़े सारे धुलकर डालकर आई हूँ, सूखने के लिए, धूप निकली है तो सूख जाएंगे। बाकी एक बार मैं दिखाती हूँ, यहाँ से लेटे हुए हैं, इन्होंने भी नहा लिया, नाश्ता कर लिया है, 4-5 बार चाय पी चुकी हूँ, इसलिए नाश्ता नहीं हुआ मेरा। ये दोनों बना रही खाना, रोटियां सेक रही, मम्मी सब्जी बना रही। मैं बस फिर ही घूम रही हूँ, दादी के दिखाती हूँ आपको। बैठी हैं मैं, तुम लिखो भाई सब साफ लेकर। कहाँ हो पाई पप्पा? हाँ जी जाम लग गए, मेरा भाई आ थी तो जब नहीं जब के नहीं थे, आए थे अगर बीच में। बहुत से घर आगा आवाज नहीं मिलगा।
दादी दवाई खाने से मना कर रही थी, तो मैंने बोला मैं खिला दूंगी, टुकड़े करके बोल रही थी गले में अटक जाएगी, तो मैंने बोला तो पीस के खिला दूंगी, तो ऐसे करके मैंने उनको मनाया। फिर अब इसके बाद मैं उनको दूंगी दवाइयाँ, सभी देने के लिए करती हैं लेकिन खाती नहीं है। अगर कभी मन होता तब तो वो गोलियाँ खा लेती, नहीं तो नहीं खाती। अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं, कल चक्कर आ गया था, तो फिर इसलिए मैं तुरंत ही बाद आ गई हूँ तो दवाई देने के लिए। तो अभी मुझसे तो खा लेंगी, लेकिन बाकी कभी कभार खाना रहता है तब तो खाती, नहीं तो नहीं खाती हैं। हाथ में लेकर दादी की तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि वॉशरूम जा पाए, लेकिन पल्ले का याद है कि सिर पर पल्ला नहीं है, तो मैं पहले बोल रही थी कि सुलाने से पहले पहले मेरा सिर ढक दे, उसके बाद ही सोऊंगी। का चाहिए है? और यहाँ पर मैंने दादी को लेटा दिया, तो मुझे नीचे के सकने ये पढ़ता ही नहीं है, ये तू नहीं चल रही और तो नहीं आना चूड़ी नहीं। अरे चूड़ी कोई क्यों क्यों रो रहा है? अजाना फिर से इधर आना कहने क्यों रो रहा है बेचारे कार के यहाँ से आने वहीं से रास्ते में पहले हमने राशन लिया, अब आ गए हैं हॉस्पिटल जीजा जी को देखने के लिए, फिर उसके बाद सीधे घर जाएंगे। थकान तो हो गई है, लेकिन जीजा जी दो तीन दिन से आ भी नहीं पाए थे, तो इन्हें बोला पहले देख कर आते हैं उसके बाद ही घर चलेंगे। ये मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं, तो छोटे वाले जीजा जी मतलब इनके छोटे भाई की तबीयत ख़राब है, पीलिया हो गया है। पीलिया होने के कारण ये देखिए पेट इतना ज़्यादा फूल गया है, पेट में पानी भर जाता है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा जीजा जी के ख़राब है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि तुम लोग अभी वहाँ से आए हो सीधे क्यों आ गए, थक गए हो गए तो चले जाओ घर वापस। चले अब हम लोग हॉस्पिटल से घर। देखिए चीज़ अभी इधर हम घर जाएंगे, 8:30 बजने वाले हैं, 8:30 बज ही गए होंगे, टाइम नहीं देखा मैंने, 8:30 हो रहे हैं, घर जाएंगे। थक गए बहुत क्योंकि अब निकले थे, फिर उसके बाद अब जाके खाना आना बनाऊंगी। अभी आए हम घर, 10 बजने वाले, खाना भूख तो लगी लेकिन अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी, बोले कि खिचड़ी बना लो। ये देखिए दाल चावल, ये रहे मूंग की दाल और चावल की, घी से तय कर दूंगी तो मूंग की दाल की। अभी जब हम आ रहे थे तो मैंने रास्ते से कल के लिए मेथी की भाजी ले ली, ये देखिए ये 2 गोल्टी लेकर आई हूँ, ये रही। तो अभी मैं इसको तोड़ लेती, तोड़ के अभी रख दूंगी क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश होने लगी थी जैसे ही हम हॉस्पिटल से निकले थे, तो बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने मेथी की भाजी ले ली की थी, या तो पराठा या पकौड़े कुछ बना लूँगी। तो अभी जब तक कि खिचड़ी में सीटी आएगी तब तक कि मैं मेथी की भाजी तोड़ लूँगी। और टाइम तो मैंने आपको पता ही है, 10 बज गया है। अंश अपने स्कूल की, कल स्कूल जाएंगे तो बैग में बुक्स रख रहे हैं, कपड़े वपड़े चेंज आके कपड़े चेंज किए, नहाया तो नहीं, हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लिए, तो मैं कल की तैयारी कर लेती हूँ। अभी इसको तोड़कर धोल कर रख दूँगी, तो सुबह सीधे कट करके फ्राई कर दूँगी। देखिए मेथी तो इतनी निकली है और ये इससे ज़्यादा कचड़ा ही। ये रहा हमारा आज का डिनर, दिखाती हूँ।
कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता। कल हम जीजा जी से बात करते हुए 2 घंटे में अंदर ही रूम में थी, मतलब सभी लोग हम ऐसे एक एक करके जा रहे थे और काफ़ी टाइम तक हम साथ में रहे। और आज देखिए जीजा जी हमारे साथ नहीं रहे।